start with our talk. What is heart disease? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हृदय की बीमारी होती क्या है. तो हृदय जो है, आप सब लोगों को पता होगा कि एक सेंट्रल ऑर्गन है हमारे ऑर्गन्स को, चाहे ब्रेन है, चाहे किडनी है, चाहे स्किन है, चाहे हम लिवर है, सबको खून एक किसी मात्रा में पर मिनट चाहिए. तो हार्ट इज़ अवर मोस्ट हार्ड वर्किंग मसल विच पम्प्स अराउंड 4 to 5 लीटर्स ऑफ ब्लड पर मिनट एट रेस्ट. जब हम बैठे हुए हैं तो 4 से 5 लीटर पर मिनट, ऐसी एफिशिएंसी से वो काम करता है. और जब हम एक्सरसाइज करते हैं, व्हेन वी आर वर्किंग, या हम वॉक कर रहे हैं या कोई भी मेहनत का काम कर रहे हैं, तो ये जो उसका एफिशिएंसी है, जो उसके वर्किंग पावर है, ये बढ़ के 8 से 10 लीटर पर मिनट तक जा सकती है. तो इतना हार्ड वर्किंग मसल है और कंटिन्यूस बीट कर रहा है. जब से बच्चा पैदा होता है आखिर तक हर मिनट हर सेकेंड इतनी बीट्स वो बीट किए जा रहा है. इट सप्लाइज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल बॉडी पार्ट्स. तो ऑक्सीजन भी दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, जो एक किसी हेल्दी ऑर्गन के लिए चाहिए. तो डिजीजेज जो हार्ट की है वो वेल्स की भी हो सकती है, बचपन से हो सकती है, गर्भ से हो सकती है, मसल्स की हो सकती है, या फिर गर्भ से होल्स हो सकते हैं, या फिर एक्वायर्ड हार्ट डिजीज हो सकती है, जिसको हम ब्लॉकेजेस बोलते हैं. जो हार्ट की जो मसल्स हैं वो वीक हो जाती है ब्लॉकेजेस की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से. इसको हम बोलते हैं लाइफ स्टाइल रिलेटेड हार्ट डिजीज. तो लाइफ स्टाइल हार्ट डिजीज क्या होती है? एक्वायर्ड, इसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड हार्ट डिजीज, जो हम लाइफस्टाइल से बचा सकते हैं, जिसमें आता है हाई ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप. अगर आपका बीपी हाई है तो धीरे धीरे आपका हार्ट मोटा होता जाएगा और धीरे धीरे उसका पंपिंग फंक्शन कम हो जाएगा, हार्ट का साइज बड़ा हो जाएगा, तो आपको हार्ट की बीमारी हो जाएगी. दूसरी होती है ब्लॉकेजेस की बीमारी. जैसे बोलते हैं कि आपकी हार्ट में ब्लॉकेज आ गई है, आपको स्टेंट की ज़रूरत है, या आपको दवाइयों की ज़रूरत है, या बाईपास सर्जरी की ज़रूरत है, ये ब्लॉकेजेस की बीमारी है. दूसरी बीमारी होती है जो किसी को, मान लीजिए शुगर है या मोटापा है, तो उसकी वजह से हार्ट मोटा हो जाना, उसकी वजह से ब्लॉकेजेस आना, उसको हम बोलते हैं शुगर की वजह से या मोटापे की वजह से हार्ट डिजीज़. अलग और दूसरी हार्ट डिजीज़ है थायराइड रिलेटेड हार्ट डिसऑर्डर. जिन लोगों को थायराइड होता है, और खासकर जिन लोगों का थायराइड अनकंट्रोल्ड होता है, उनका कोलेस्ट्रॉल खराब हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से उनमें क्या, हार्ट की बीमारी आ सकती है, ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, हार्ट फैल सकता है, हार्ट मोटा हो सकता है. दूसरा फिर आता है हार्ट मसल डिजीज़, जिसकी वजह से हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हो जाता है. उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ब्लॉकेजेस हो सकता है, बीपी हो सकता है, शुगर हो सकता है, इन्फेक्शंस हो सकते हैं. जब आपकी इम्यूनिटी लो है या आपको किसी कैंसर की वजह से दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें क्या होता है, हार्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और उससे हार्ट का फंक्शन गिर जाता है. तो इसको हम हार्ट डिजीज़, जो हार्ट डिजीज़ पैदा हो जाती है इस वजह से. दूसरी होती है फिर हार्ट वेल्व डिजीज़. एक हार्ट वेल्व डिजीज़, मान लीजिए वेल्व के ऊपर इन्फेक्शन हो गया, या बर्थ से आपकी वेल्व में कोई डेफिशिएंसी उससे हो गया, या हार्ट अटैक पड़ा उसकी वजह से वेल्व लीक करने लग गई आपकी, और आपको वेल्व की प्रॉब्लम आ गई, वेल्व लीकेज करने लगी, ब्लड को आगे जाना चाहिए, ब्लड पीछे जा रहा है, लंग्स में इकट्ठा हो रहा है, सांस फूल रहा है चलने पे, और हार्ट फैलता जा रहा है आपका, तो ये वेल्व्स की वजह से हार्ट की बीमारी उत्पन्न हो गई. तो जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है, एक बहुत बड़ा मिथ है जो हम लोग सोचते हैं कि जो हार्ट की बीमारी है, जो हृदय की बीमारी है, वो बुढ़ापे की बीमारी है, जवान लोगों को बीमारी नहीं हो सकती. तो ये एक मिथ है, ये भ्रम है एक. वो कैसे, देखिए ये जो दिखाया गया है, एक आर्टरी दिखाई गई है, मसल, ये एक आर्टरी है, एक नस है जो हार्ट की, हार्ट को ब्लड सप्लाई दे रही है. हार्ट को भी ब्लड सप्लाई चाहिए उसको काम करने के लिए. तो आप देखिए जो ये येलो पोर्शन है, फर्स्ट डिकेड, मतलब जब बच्चा 2 साल से शुरू होता है, तो 2 साल के बाद से ही कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन शुरू हो जाता है नसों में. तो शुरू के लाइफ इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम शुरू से अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे तो आगे जाके ये ब्लॉक बढ़ेगा नहीं, नहीं तो धीरे धीरे ये बढ़ता हुआ थर्ड डिकेड, तीसरी दशक में, फिर चौथी दशक में आगे बढ़ता बढ़ता, देखिए ये पूरा जो एक पाइप है एक तरह का, इसको ब्लॉक कर दिया, यहाँ तक ब्लॉकेज आ गई है. तो ये जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन है, या जिसको हम एथरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, ये 2 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, खासकर पहली दशक से, 8-10 साल की उससे शुरू हो जाता है. और ये जो बीमारी है कोलेस्ट्रॉल जमा होने की, ये जो कोलेस्ट्रॉल जमा होने की बीमारी है, खाली हार्ट में नहीं होती है. अगर ये ब्रेन में जमा होगी, ब्रेन की नसों में जमा होगी, तो स्ट्रोक हो जाएगा, जिसको हम लकवा बोलते हैं, फालिस, अधरंग जिसको बोलते हैं, स्ट्रोक, ब्रेन अटैक दूसरे नाम है इसके. दूसरा, अगर टांगों में जमा होगी, तो टांगे, आप जब चलेंगे वॉक करेंगे तो आपकी टांगों में दर्द होगा, आप बैठेंगे तो दर्द ठीक हो जाएगा, तो वो ब्लॉकेजेस टांगों में भी हो सकती है. और हार्ट में होगी तो हार्ट अटैक पड़ेगा, एंजाइना होगा, एंजाइना का मतलब चलते हुए छाती में दर्द. तो ये कुछ इसकी प्रेजेंटेशंस हैं ब्लॉकेजेस की नसों में. ये बहुत एक ये डेटा दिखाया गया है कि हार्ट डिजीज़ जो है साइलेंट किलर है. और सबसे जो जो स्केरी बात है, जो खतरनाक बात है, वो ये है कि 60% जो डेथ होती हैं हार्ट अटैक की, 60% जो हार्ट अटैक की डेथ्स होती हैं, वो अस्पताल के बाहर होती हैं.
मतलब 7% लोग आदमी लोग पहुंच ही नहीं पाता है अस्पताल की इमरजेंसी में, उनको इलाज लेने का, ECG कराने का, डॉक्टर को देखने का टाइम ही नहीं मिलता है, इतनी खतरनाक ये डेटा है। तो इसके लिए क्या हमें चाहिए? प्रिवेंशन, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्यों उस 60% लोगों को क्यों बीमारी थी अंदर जो पता नहीं चल पाई, तो देखेंगे आगे कि क्या रिस्क फैक्टर्स हैं और क्यों होती है बीमारियाँ। दूसरे जो कंसर्न्स की बातें हैं जो काफ़ी चिंताजनक विषय है वो है कि आजकल यंग लोगों को हार्ट डिजीज़ हो रही है, 18 साल 20 साल के यंग लोग जो है हमारी इमरजेंसी में आते हैं हार्ट अटैक के साथ। कारण कई सारे हैं, स्मोकिंग है, स्ट्रेस है, साथ में फिजिकल इनएक्टिविटी, आजकल के लोग चलते नहीं हैं, केवल कार में बैठे हैं या मेट्रो तक भी बस से जा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, स्ट्रेसफुल लाइफ है, वॉक करने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है, तो उन लोगों को इन चीज़ों से बीमारी हो रही है। दूसरी जो बात है जो चिंताजनक विषय है वो है राइजिंग हार्ट डिजीज़ इन विमेन। पहले विमेन को हार्ट डिजीज़ इतनी नहीं होती थी, अब आज की डेट में औरतों में नंबर वन किलर जो है वो हार्ट डिजीज़ बन गई है। खासकर 45 साल 50 साल की औरतें आ रही है इमरजेंसी में हार्ट डिजीज़ होकर, पहले यूजली 60-65 साल के बाद आती थी बीमारी, बट आजकल शुगर भी ज़्यादा अर्ली आ गई है औरतों में और हार्ट डिजीज़ भी ज़्यादा आ गई है। उसके कारण कई सारे हैं, क्योंकि जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, वो दो जगह स्ट्रेस ले रही है, घर का स्ट्रेस, घर पे भी काम करना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है, साथ में दो सैलरी चाहिए आज की लाइफ में, तो वो काम भी कर रही हैं, तो ऑफिस स्ट्रेस भी हो गया, भाग दौड़ होगी, वर्किंग ख़त्म है बिल्कुल, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खाना इरेगुलर हो गया, इरेटिक हो गया, इस वजह से विमेन में हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो हार्ट डिजीज़ करते हैं? जेनेटिक्स सबसे इम्पॉर्टेंट है, आनुवंशिकता जो है, जो हमें अपने पिताजी से, माताजी से, दादाजी से, जो हमें जीन्स में मिली है, अगर जीन्स में किसी को हार्ट डिजीज़ थी तो चांसेस हैं 40-50% कि आपको भी वो बीमारी आएगी। तो जैसा बच्चा अपने फादर की तरह दिखता है तो उसकी आर्टरीज़ भी फादर की तरह दिखती है, तो जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को हार्ट डिजीज़ फैमिली में है तो उसको रेगुलर चेकअप्स कराने बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरा ओबेसिटी मतलब मोटापा, ओवरवेट, डायबिटीज़, मेलाइटस, शुगर की बीमारी, BP की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। कोलेस्ट्रॉल लेवल मतलब जो वसा की, जो हमारी चिकनाई है ब्लड में, उसकी जो मात्रा है, HDL होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, H मतलब गुड कोलेस्ट्रॉल, ये हाई होना चाहिए, LDL मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल, ये लो होना चाहिए। हम भारतीयों में एक बहुत बड़ी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल है वो इस तरह से है कि हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है और हाई जो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब जेनेटिक्स है। तो एक ये भी एक फैक्टर है हमारे यहाँ पे हार्ट डिजीज़ ज़्यादा होने का, और 2025-2030 तक ये अनुमान है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कैपिटल हो जाएगी हार्ट डिजीज़ में, जिस हिसाब से हमारा हार्ट डिजीज़ का इंसिडेंस बढ़ रहा है इसमें। फिर दूसरा कारण है स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेस, चिंता, किसी भी तरह की चिंता, फिजिकल मेंटल स्ट्रेस जो भी है, वो सब हार्ट डिजीज़ को बढ़ावा देता है। तो ये डायग्राम एक दिखाया जा रहा है कि ये हार्ट की एक नस है, इसको कट ओपन किया गया, दिखाया जा रहा है कि ये येलो जो प्लाक्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल के प्लाक्स हैं, ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया धीरे धीरे, चाहे किसी की वजह से, आपकी इनएक्टिविटी की वजह से, आपके कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह से, जीन्स की वजह से, या स्मोकिंग की वजह से, ये किसी की वजह से भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। अब धीरे धीरे 70-80% ब्लॉक आ गए हैं यहाँ पे, किसी दिन स्ट्रेस की वजह से या BP की वजह से उसमें क्लॉट बना, खून का थक्का बना और हार्ट अटैक हो गया, पूरा फ्लो 100% बंद, हार्ट अटैक हो गया आपको। अब उस टाइम में आप 2-3 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाते हैं, ECG हो जाता है, डायग्नोज हो जाता है, तो आपको बचाया जा सकता है, हार्ट की मसल के फंक्शन को, पंपिंग फंक्शन को बचाया जा सकता है। अगर लेट हो जाएगा तो हार्ट मसल डैमेज हो जाती है, उसको आप फिर रिकवर नहीं कर सकते, तो अर्लीस्ट जो है वो बेटर है, जितना अर्ली आप अस्पताल पहुंचेंगे बेटर है। अब अस्पताल तब पहुंचेंगे जब आपको पता चलेगा कि भाई मेरे को हार्ट अटैक हो रहा है और क्या सिम्टम्स हैं, क्या तकलीफ होती है। तो सिम्टम जो है वो ये हैं, किसी भी हार्ट से जो पेन आता है उसको हम बोलते हैं एंजाइना। आपको डॉक्टर कभी जाएं आप किसी के पास तो बोलते होंगे नहीं सर आपको एंजाइना हो रहा है। अब व्हाट इज़ एंजाइना? एंजाइना का मतलब है कि जो आपकी हार्ट की मसल है, जो हार्ट की जो मांसपेशी है, जब आप चल रहे हैं वो ज़्यादा खून मांग रही है, वो चिल्ला रही है, वो चीख रही है कि अब मेरे पास खून की सप्लाई कम हो गई है, कॉम्प्रोमाइज सप्लाई हो गई है, अब मेरे को और खून चाहिए, मेरी आर्टरी में ब्लॉकेजेस आ गई हैं, तो इसको बोलते हैं एंजाइना। एंजाइना टिपिकल एक पेन है जो चलने पे आएगा और बैठने पे रुक जाएगा, ये क्लासिकल सिम्टम होता है हार्ट का। कई केसेस में क्या होता है, पेन नहीं होता, कई केसेस में केवल सांस फूलता है कि आप चल रहे हैं सांस फूल रहा है, बैठे तो एकदम से ठीक हो गया, तो ये भी हार्ट डिजीज़ का एक लक्षण हो सकता है। तो आपको अपने फिजिशियन से या कार्डियोलॉजिस्ट से जाके कोई भी नई चीज़ है आपको बताना चाहिए। कई बार क्या होता है, एटिपिकल सिम्टम्स आ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो चेस्ट पेन होगा, लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होगा,
एंजाइना का पेन जॉ से लेके, जबड़ों से लेके, कान से लेके, पेट, छाती, बैक, कहीं पे भी हो सकता है, कंधों में, आर्म्स में, कहीं भी हो सकता है. तो अगर कोई रिस्क फैक्टर है आपको और ऐसी कोई नई चीज़ जो पहले नहीं होती थी 7 दिन में 20 दिन में अब शुरू हुई है, तो आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए और आपको जाके अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. तो ये साइलेंट हार्ट डिजीज़ कब होती है? साइलेंट हार्ट डिजीज़ मतलब जब ब्लॉकेज 70% से नीचे है तो साइलेंट हार्ट डिजीज़ शुरू हो चुकी है. आपको ब्लॉकेज शुरू हो गई है बट अभी सिम्टम्स नहीं आएंगे जब तक आर्टरी 70% से ज़्यादा बंद नहीं हो जाएगी. या तो ये 70% की ब्लॉकेज के ऊपर क्लॉट बन के सीधा हार्ट अटैक हो जाएगा या वो एंजाइना देगा पहले. तो एंजाइना से आप बच सकते हैं अगर आपको मालूम है कि ये पेन एंजाइना का चल रहा है. रिस्क फैक्टर से ओबेसिटी दिखाया गया है कि मोटापे से हार्ट डिजीज़ कम से कम 2 से 6 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है. तो आपको एक 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 वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं BMI. जब भी आप जाते हैं किसी भी क्लिनिक पे तो वज़न देखा जाता है, कैंप्स में या उसमें वज़न देखा जाता है. बट ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, BMI. BMI का एक फार्मूला आप अपने मोबाइल फ़ोन्स पे भी देख सकते हैं. इसका एक फार्मूला है हाइट इन किलोग्राम्स, वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर. ये बड़ा सिंपल सा फार्मूला है जिसमें आप अपनी वज़न को डिवाइड कर सकते हैं मीटर स्क्वायर करके. तो अगर ये 30 से ज़्यादा है तो आप ओबीस हैं, मतलब आपको जो हार्ट अटैक का रिस्क है वो 2 गुना है 3 गुना है. और अगर वज़न ज़्यादा मतलब ओवरवेट, 25 से 30 के बीच में ओवरवेट है, तो जो आइडियल BMI है वो 25 से नीचे होना चाहिए, जो बहुत ही कम लोगों में देखा जाता है. फिर फिजिकल इनएक्टिविटी. तो क्या लाइफस्टाइल चेंजेस चाहिए हमें अपनी हार्ट डिजीज़ प्रिवेंट करने के लिए? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो यंग लोगों में भी हैं और आजकल विमेन, लड़कियां भी स्मोक करना शुरू हो गई हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है स्टॉप स्मोकिंग. और खाली स्मोकिंग, एक्टिव स्मोकिंग नहीं है. अगर आपके साथ में आपका कुलीग या पार्टनर भी स्मोक कर रहा है तो आपको भी इक्वल रिस्क है पैसिव स्मोकिंग से. वो धुआं आपके लंग्स में भी जा रहा है, आपको भी वो इफेक्ट कर रहा है, आपको भी नुकसान दे रहा है. तो पैसिव स्मोकिंग भी एक रिस्क फैक्टर है, उससे दूर रहिए. 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी हम लोग बोलते हैं कि 30 मिनट की अगर आपने वॉक कर ली, वो भी 3 किलोमीटर, 30 मिनट 3 किलोमीटर, मतलब क्या स्पीड हुई, 10 मिनट में 1 किलोमीटर. अगर आप इस स्पीड से करते हैं डेली या फिर एटलीस्ट 5 डेज ए वीक रिलीजियसली करते हैं, सीरियसली करते हैं, तो हार्ट डिजीज़ बचाई जा सकती है. तो 150 मिनट पर हफ्ते के करीब हो गया ये. फिर हार्ट हेल्दी डाइट, हेल्दी वेट कैसे मेंटेन करना है, अपनी कैलोरीज़ को बैलेंस करके. कैलोरीज़ पता होनी चाहिए आपको कि आप क्या खा रहे हो. आज आपने दोपहर को 2 रोटी ज़्यादा खा ली या आपने चिकनाई वाली चीज़ खा ली, तो रात को खाने को कैसे बैलेंस करना है, कम कर देना है, फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खाने हैं, आपको अपनी कैलोरीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो आप डाइटिशियन से डिस्कस कर सकते हो. फिर सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट. हर चीज़ का जो एक फैक्टर है जो हार्ट अटैक की तरफ जाता है, चाहे आपको साइलेंट डिजीज़ है बट एकदम से हार्ट अटैक जो पड़ता है वो स्ट्रेस की वजह से पड़ता है. तो एक हॉबी अपना लीजिए कोई भी, या गार्डनिंग की हॉबी है, योगा कर लीजिए, म्यूज़िक सुन लीजिए, किसी भी तरह की एक आपको मेडिटेशन है जैसे, एक हॉबी आपको होनी चाहिए जिससे स्ट्रेस दूर रहे आपका. हार्ट हेल्दी डाइट क्या है? हार्ट हेल्दी डाइट है कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डेली खाने हैं. हमारी इंडियन डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की बहुत कमी है, और अगर वेजिटेबल भी होती है तो हर डाइट में, हर सब्जी में आलू ज़रूर होता है हमारे यहाँ. वो कार्बोहाइड्रेट है, उससे वज़न बढ़ता है, उससे शुगर बढ़ती है. तो कम से कम 5 सर्विंग्स होनी चाहिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, डिफरेंट कलर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, 5 सर्विंग्स पर डे ये खानी चाहिए, जिससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है, हार्ट डिजीज़ कम होती है. होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाने चाहिए, मैदा जो रिफाइंड आटा है वो नहीं खाना चाहिए, वाइट ब्रेड नहीं खानी चाहिए, होल ग्रेन खाना चाहिए. ओट्स हो गए, जैसे दलिया हो गया, पॉरेज, ये सब चीज़ें खानी चाहिए, मूसली हो गई. तो हमें होल ग्रेन प्रोडक्ट्स खाने हैं. नॉन फैट और लो फैट प्रोडक्ट्स खाने हैं. मलाई उतार दीजिए, डबल टोन टोन दूध पी लीजिए. तो हमें लो फैट प्रोडक्ट्स खाने हैं. अगर मीट के शौकीन है तो चिकन फिश बहुत अच्छा माना जाता है, वो खा सकते हैं, वो भी घर का बना हुआ. नहीं तो रेड मीट जो होता है वो अवॉइड करना चाहिए आपको. रेड मीट खतरनाक माना जाता है. कभी कभी ओकेजनली हर चीज़ खाई जा सकती है बट रेगुलरली नहीं खाई जा सकती, रूटीन में नहीं खाई जा सकती. और फैट फ्री मिल्क पे आना हमेशा ठीक रहता है वज़न कम करने के लिए. जो चीज़ें अवॉइड करनी है हमने वो है एग योक. एग योक मतलब येलो, एग का येलो. एक्सेस में हर चीज़ बेकार है, हर चीज़ नुकसान है. बट अगर आप मॉडरेशन में खाते हैं, हफ्ते में 1-2 एग्स खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, तो आप खा सकते हैं. बट जो डेली एग्स खा रहे हैं, 2-2, 3-3, उसमें येलो है, योक है उसमें, तो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई जा सकता है उसमें.
फैटी मीट हो गया, बटर चिकन, फ्राइड फिश, जितने भी मिल्क फैट्स हैं जो हम यूजली फेस्टिवल्स, अब दिवाली आ रही है उसके ऊपर ये चलेंगे हमारे सारे डिब्बे, जो मिठाई के डिब्बे चलते हैं उन सब में यही दूध के आइटम्स होते हैं, गाढ़े दूध के जो पकाए जाते हैं उसमें मलाई, खुरचन वगैरह सब होता है, उससे सारे फैट्स बढ़ता है, सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है उससे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है हिडन फैट। हम बैठे हैं शाम को चाय पी रहे हैं या ऑफिस में बैठे हैं या दुकान पर बैठे हैं, चाय के साथ लाओ जी बिस्किट ले आइए, एक पैकेट बिस्किट खा गए, डुबो के एक पैकेट बिस्किट खा गए, नमकीन बिस्किट खा गए, उसमें हिडन फैट होता है। आप सोच रहे हैं मारी के बिस्किट है उसमें, फिक्के बिस्किट में कैलोरी नहीं है, कैलरी हर बिस्किट में 20 कैलोरी होती है, तो आप बैठे बैठे आप 200 कैलोरी खा गए, 200 कैलोरी को खर्च करने के लिए कम से कम 2 घंटे की स्विमिंग चाहिए आपको। अब 2 घंटे की स्विमिंग कौन महीने में भी नहीं होती, 1.5-2 महीने में भी नहीं होती, तो ये हिडन कैलोरीज हैं, छुपी हुई कैलोरीज जो हम फालतू में खाए जा रहे हैं, इससे बचना आपको। तो दूसरा जो मिस्ट्री है वो कुकिंग ऑयल्स की है। हमारे ओपीडी में कई पेशेंट्स आते हैं, आपके पास भी ये एक क्वेरी होगी कि भी हम खाने में ऑयल कौन सा यूज़ करें, क्या ऑयल यूज़ किया जाए। तो एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऑयल हमें सारे चाहिए, सैचुरेटेड फैट भी चाहिए, ब्रेन्स के लिए, नर्व्स के लिए सैचुरेटेड फैट बहुत इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म के लिए, फिर मूफा चाहिए, पूफा चाहिए। आपने देखा होगा आजकल जो रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं उस पर लिखा होता है मूफा कंटेंट, पूफा कंटेंट, तो जो हार्ट हेल्दी ऑयल्स हैं वो है मूफा एंड पूफा, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। अब ये दोनों चीज़ें हैं एक जगह नहीं मिलती हैं, मान लीजिए आपने राइस ब्रान ऑयल ले लिया तो उसमें खाली पूफा कंटेंट ज़्यादा है, ऑलिव में मूफा ज़्यादा है, बट हमें ये सारे चाहिए, तो मॉडरेशन में सब चीज़ें खा सकते हैं। सबसे जो बढ़िया एक जो राय है जो हम एडवाइस देते हैं वो है कि अपने ऑयल्स को रोटेट कीजिए, आप कभी ये वाला ऑयल ले लीजिए, राइस ब्रान ले लीजिए, कभी ऑलिव ले लीजिए, कभी कैनोला ले लीजिए, कभी सनफ्लावर ले लीजिए, उसको मिक्स कर लीजिए, या मस्टर्ड ऑयल बहुत हेल्दी है, या तो मिक्स कर लीजिए या एक सब्जी उसमें बना लीजिए एक दिन में, दूसरी सब्जी उसी दिन में दूसरे ऑयल से बना लीजिए, तो हमें एक मिक्सचर चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, रोटेट द ऑयल्स, यूज़ मिक्सचर ऑफ ऑयल्स। और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग फिश नहीं खाते हैं वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सोर्स हैं, जैसे कैप्सूल्स भी आते हैं आजकल, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, वो खाया जा सकता है उसमें, नहीं तो सीड्स मिलते हैं वो बहुत अच्छे सोर्स हैं, वो खाए जा सकते हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सब खाए जा सकते हैं उसमें। नट्स बहुत अच्छे माने गए, नट्स खाने चाहिए, बादाम, अखरोट, ये चीज़ें अच्छी हैं, काजू किशमिश अवॉइड करनी चाहिए, उससे वज़न बढ़ता है, तो 10-20 ग्राम सर्विंग आप डेली खाएंगे तो गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस उससे ज़्यादा हो जाते हैं, और वो हेल्दी ऑयल्स देते हैं हमें, मूफा पूफा होता है उसमें, तो उसमें हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है। फिर सोया प्रोटीन से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाता है। गार्लिक बहुत अच्छा माना गया है बीपी कम करने के लिए, रॉ गार्लिक खा सकते हैं आप डेली, जो लहसुन की 1-2 फाड़ी आप डेली खा सकते हैं। और क्या इंटरवेंशन जो आपको पता होने चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको अपनी वैल्यूज पता होनी चाहिए, यानी कि आप डॉक्टर के पास गए उसने बोला 130-80 बीपी, आप बीपी की दवाई शुरू कर दीजिए, आपको भी अवेयरनेस होनी चाहिए। तो बीपी जो ऑप्टिमल बीपी है वो 120-80 होना चाहिए, बट जो लोग एल्डरली हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जैसे 60 साल से ऊपर हैं, 65 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए टारगेट इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते बीपी के, उनके लिए टारगेट है 150-90 से नीचे, तो ज़्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि लो बीपी टाइम नहीं देगा आपको, अगर बीपी फॉल किया तो आप गिर सकते हैं, यू कैन फॉल, यू कैन हैव इंजरीज, हेड इंजरी हो सकती है। हाई बीपी आपको टाइम देगा 5-6 दिन 7 दिन में, फिजिशियन आपका दवाई देकर कम कर लेगा, बट अपने आप दवाई मत शुरू कीजिए ओवर द काउंटर, और 150-90 से नीचे एल्डरली में ये टारगेट होना चाहिए, यंग लोगों में 130-80 नीचे, 120-80 से नीचे। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता होने चाहिए आपको, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल वो 50 से ज़्यादा होना चाहिए, रेयरली मिलता है हिंदुस्तानियों में, इंडियंस में 50 से ज़्यादा, तो हमें रेशो मेंटेन करना है, इसलिए हमें जो अपना बैड कोलेस्ट्रॉल है वो थोड़ा कम रखना है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 130 से कम होना चाहिए, और ट्राइग्लिसराइड्स 150 से नीचे होनी चाहिए। डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है हार्ट डिजीज़ के लिए, तो डायबिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। शुगर की एक सिंगल रीडिंग जो हम कैंप्स में करते हैं वो रैंडम शुगर रीडिंग होती है, अब 220 किसी की आ गई, अभी मेरे से नीचे कैंप में पूछ रहे थे 220 रीडिंग आ गई तो इस पे दवाई शुरू कर देगा, नहीं इस पे दवाई नहीं शुरू करेंगे, आप पहले अपनी डाइट में आलू, चावल, चीनी, मीठे फ्रूट बंद कीजिए, ब्रेड बंद कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, 1-2 हफ्ते बाद दोबारा से शुगर फास्टिंग पीपी लैब से कराइए, एक HbA1c वैल्यू होती है वो हम कराते हैं जो 3 महीने का एवरेज शुगर देता है, उस पर हम डिसाइड करते हैं कि दवाई खानी है कि नहीं खानी है। तो सिंगल रीडिंग बीपी की, सिंगल रीडिंग शुगर की, कभी भी हमें ये नहीं बताएगी कि दवाई शुरू की है। ये ब्लड प्रेशर के बारे में है, तो वेट लॉस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, वेट लॉस करने से हार्ट डिजीज रिस्क कम हो जाएगा, ग्लूकोज लेवल्स अच्छे हो जाएंगे, दवाइयाँ कम हो सकती हैं, आपकी इंसुलिन कम हो सकता है, आपका बीपी की दवाइयाँ कम हो सकती हैं, फिर कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाएगा आपका, स्लीप एपनिया कम हो जाएगी। स्लीप एपनिया एक सिंड्रोम होती है जो वजन से आती है, स्लीप एपनिया होता है जैसे आप बैठे हैं शॉप पे अपने बैठे हैं या ऑफिस में बैठे हैं, आप धीरे एकदम से आप सो गए, खर्राटे आने शुरू हो गए आपको, और रात को आप
जब सांस ले रहे हैं तो स्नोर कर रहे हैं, खराटे कर रहे हैं, बीच में सांस रुक रही है आपकी, इसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। ये हार्ट डिजीज़ हो सकती है इससे, और ये होती है वजन, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है तो ये इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा आपका, और डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ कम हो जाएगी। हार्ट डिजीज़ बचानी है तो वॉक करनी है, वॉक करनी है तो आपके जॉइंट्स अच्छे होने चाहिए। अगर जॉइंट्स वजन की वजह से ख़राब हो जाएंगे तो वॉक नहीं कर पाएंगे। कई लोगों को हम बोलते हैं ट्रेडमिल कीजिए, वॉक कीजिए, हम नहीं चल पाते क्योंकि हमारे जॉइंट्स ख़राब है। तो सारा रिलेशन वजन से है, तो हेल्दी जॉइंट डिजीज़, हेल्दी जॉइंट्स के लिए हमें वज़न ठीक से रखना पड़ेगा। तो लो कैलोरी लो फैट डाइट खाइए, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, और बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहेवियर पता होना चाहिए आपको कि आपका वज़न बढ़ गया। अगर आपका स्पाउस या बच्चे आपको बोल रहे हैं कि आप मोटे हो गए, तो उसको समझिए कि हाँ सच में मोटा हो गया हूँ, मेरी वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रही है, पैंट का साइज़ बढ़ रहा है, तो उसको ध्यान दीजिए, उसको मजाक में मत लीजिए या उसको उससे ऑफेंड मत हो जाइए कि नहीं ये कैसे बोल रहे हैं, मैं तो मोटा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसको बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और वॉकिंग इज़ मैंस बेस्ट मेडिसिन। हिप्पोक्रेट्स में इतने डिकेट्स पहले, इतने सेंचुरीज पहले उसने बता दिया था कि चलना ही बेस्ट मेडिसिन है। वॉक वॉक वॉक, चलते रहिए बस, जैसे भी कीजिए, एक्टिव लाइफ रहिए। रेगुलर ब्लड शुगर चेक होने चाहिए, फास्टिंग शुगर 100 से नीचे होना चाहिए, खाने के बाद का 140 मिलीग्राम से नीचे होना चाहिए, रैंडम शुगर 200 से नीचे होना चाहिए, और HbA1c जो 3 महीने की चीज़ है, शुगर दिखाती है, वो 6 से नीचे होना चाहिए। अल्कोहल के बारे में पूछा जाता है आजकल, बड़े पेपर्स में आता है, मैगजीन्स में आता है कि अल्कोहल वाइन बड़ा अच्छा होता है, बट हम लोग ये नहीं बोलते कि आप वाइन पीना शुरू कर दीजिए कि आपका हार्ट डिजीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं है ऐसा। हम बोलते हैं जो लोग ले रहे हैं उनको मॉडरेशन पे आ जाएं कि लेस देन 1 ड्रिंक या 2 ड्रिंक्स आप ले सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, उससे बीपी बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और फिर लिवर ख़राब हो जाएगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट से बच जाएंगे लेकिन फिर आप लिवर के स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल्कोहल बहुत मिनिमम उसमें रखा जाए। ये एक स्लाइड है जो दिखा रही है कि आपको रेगुलर चेक्स क्या कराने चाहिए 40 साल के बाद, 45 साल के बाद। आजकल हम बोलते हैं कि आप रेगुलर चेक्स कराइए, एनुअल चेकअप होता है, ज़्यादा महंगा नहीं होता है, 5 से 7 हज़ार रुपये का होता है। आजकल वर्ल्ड हार्ट मंथ के ऊपर हम लोगों ने काफ़ी चीप पैकेज निकाला हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कर रहे हैं, और 2 घंटे 3 घंटे में टेस्ट हो जाते हैं। उसमें आते हैं ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, 4 तरह के कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ECG, एक्सरे, TMT, इको। उसके बाद अगर इसमें कुछ खराबी आती है तो हम बताते हैं कि आप एंजियोग्राफी कराइए या और कोई हायर टेस्ट कराइए अगर उसमें खराबी आती है। और डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो होता है वो एंजियोग्राफी से ही बनता है, ना हम TMT से डायग्नोस कर सकते हैं, ना हम इको से डायग्नोस कर सकते हैं। अगर उसमें खराबी आएगी तो हमें एंजियोग्राफी करनी ही पड़ती है। एंजियोग्राफी के बारे में बड़ा भ्रम है लोगों में, एक तरह से एक ये विषय हमेशा उठता है कि एंजियोग्राफी, डॉक्टर के पास जाएंगे एंजियोग्राफी बता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, एंजियोग्राफी तब बताई जाएगी अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, अगर आपको चलने पे एंजाइना हो रहा है, पेन हो रहा है, या आपका TMT ख़राब है बहुत ज़्यादा, या आपको शुगर है और आपको तकलीफ हो रही है, तब एंजियोग्राफी करते हैं। ऐसे नहीं कि हर चीज़ में एंजियोग्राफी करते हैं, या फिर आप इमरजेंसी में आए हार्ट अटैक के साथ तो इमरजेंसी एंजियोग्राफी करके वो ब्लॉकेज खोलनी पड़ती है। तो हर आदमी को नहीं बताई जाती है, डिपेंड करता है, हर पेशेंट के लिए अलग होता है। तो एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आती है तो उसको हम स्टेंट से खोल देते हैं, अगर बहुत सारी ब्लॉकेजेस है तो उसको हम बाईपास सर्जरी बताते हैं। ये इसमें दिखा रहे हैं, ये एक ब्लॉकेज है यहाँ पे, इसमें हमने स्टेंट लगा दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास ब्लॉकेज खुल गई है, और 24 महीने के बाद भी स्टेंट अच्छा चल रहा है और 48 महीने के बाद भी चल रहा है। तो स्टेंट आगे कैसे बढ़िया चलेगा लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है, वही जो चीज़ें मैंने सारी बताई आपको। एक हार्ट एज पता होना चाहिए आप लोगों को, एक हार्ट एज निकाल सकते हैं, फॉर्मूला सिंपल सा फिजिशियन निकाल लेता है, आप अपने फ़ोन्स पे या अपने लैपटॉप्स पे देख सकते हैं, जिसमें एक फॉर्मूला मांगते हैं, आपके रिस्क फैक्टर्स मांगते हैं, उससे हार्ट एज निकल जाती है। तो पता चल जाता है कि आपकी खुद की उम्र 70 साल की है तो हार्ट की एज कितनी है, आपका हार्ट जवान है कि नहीं है, 60 साल का हार्ट है, 50 साल का हार्ट है, तो उस समय रिस्क पता चल जाता है आगे वाले हार्ट अटैक होने का। तो टेक होम मैसेज क्या है कि आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हार्ट है हमारी, हार्ट की जो बीमारी है उसको हम अपनी लाइफस्टाइल से बचा सकते हैं। ये जीवन शैली की बीमारी है, अपनी जीवन शैली चेंज कीजिए, हार्ट डिजीज़ बच जाएगी। और रेगुलर फॉलोअप्स कीजिए, रेगुलर चेकअप्स कीजिए, वज़न ठीक रखिए, नमक कम खाइए, चिकनाई कम खाइए, डेली वॉक्स कीजिए, 30 से 40 मिनट डेली वॉक्स कीजिए। मेडिसिंस को कभी भी अपने आप मत छोड़िए, जब तक डॉक्टर ना बोले अपने आप मत छोड़िए। और अगर एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की ज़रूरत पड़ती है तो उससे घबराइए नहीं, ये आपके बेनिफिट के लिए किया जा रहा है, अगर ज़रूरत है तभी किया जा रहा है। धन्यवाद आप सब लोगों का सुनने के लिए। कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चन है तो मैं। सर वो डिसॉल्वेबल जो स्टेंट आते थे, एब्जॉर्बेबल स्टेंट आते थे, वो अब बंद कर दिए गए क्योंकि उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो अब हम नहीं दे रहे हैं।
बट जो आप बोल रहे हैं डिजॉल्व हो जाता है, डिजॉल्व नहीं होता, वो जो नस होता है उसमें घुल जाता है, उसमें मिल जाता है, उसमें वो आर्टरी की शेप ले लेता है। तो ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो जाएगा, मेटल जो फ्रेम है उसका जो एलॉय होता है, एलॉय फ्रेम वहाँ रहता है उसमें, बट उसको वो अंदर आर्टरीज में उसे टिश्यू बन जाता है, एंडोथेलाइज हो जाता है, वो एक तरह से आर्टरी बन जाती है, बट उसको हम एंजियोग्राफी के टाइम में देख सकते हैं, उसको एक्सरे से नहीं पकड़ा जा सकता। मैंने सर आपको बताया 10 मिनट में 1 किलोमीटर आइडियली है, बट आप तेज चल सकते हैं, बट वी अवॉइड जॉगिंग, हम जॉगिंग मना करते हैं, वो इसलिए कि जॉगिंग से एक तो आदमी जल्दी थक जाएगा, भागेगा, और जॉगिंग हमेशा टोज पे होती है, जॉगिंग हमेशा आप हील्स पे करते हैं ना, तो उस पर हमें क्या करना है कि हमें, हम चाहते हैं कि ब्रिस्क वॉक से आप थोड़ा ज़्यादा चलें, और हार्ट के लिए वो हेल्दी मानी गई है, आप ज़्यादा चलेंगे 45 मिनट 50 मिनट आप ब्रिस्क वॉकिंग कर लीजिए उस स्पीड पे, लेकिन आप जब भागेंगे तो आपके जॉइंट्स डीजनरेट कर सकते हैं ज़्यादा, वजन खासकर वजन ज़्यादा है, तो प्रेफरेबल ब्रिस्क वॉकिंग है जो हील्स पे होती है, भागेंगे तो आप टोज पे जाएंगे, तो उससे जॉइंट डिजीज हो सकती है। हाँ बिल्कुल, इसमें कई, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ये होता है कि ये हार्ट अटैक चल रहा है कि गैस की बीमारी चल रही है, कि गैस हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिन लोगों को गैस एकदम से तो आनी जाएगी, जिन लोगों को यूजली गैस रहती है पहले, हार्ट डिजीज़ एकदम से आ सकती है। दूसरी बात है इसमें एयर हंगर होता है, एयर हंगर मतलब अगर हार्ट अटैक शुरू हुआ है या चल रहा है तो पहले तो एंजाइना हुआ एकदम से नहीं आ जाएगा, आपको कुछ लगेगा कि आप 15-20 दिन से थक रहे थे, फटीग हो रहा था, आप सीढ़ी चढ़ नहीं पा रहे थे, पसीना आ रहे थे, तब वो चीज़ बढ़ गई तो एक ही हार्ट अटैक हो गया। दूसरा आपको लगेगा कि मैं बाहर जाऊँ हवा लूँ थोड़ी सी, गैस में नहीं लगेगा आपको, आपको लगेगा मैं, मुझे एयर हंगर हो गया, मैं थोड़ा सा लंबा सांस लूँ, बेचैनी सी हो रही है मेरे को ना, ठंडे पसीने, हाथ ठंडे हो गए, ये सब गैस में नहीं होने का। उल्टियाँ ज़्यादा होती हैं, उल्टियाँ पसीना आना ये सब जो होता है हार्ट अटैक में भी हो सकता है, बट पसीना यूजली गैस के साथ नहीं आता, तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी लग रही है, कोई पेन या घबराहट या छाती में हैवीनेस या सांस फूलना, आधे घंटे पौने घंटे से ज़्यादा हो गया है, आपने डाइजीन ली, आपने गैस की गोली ली, उससे भी आराम नहीं मिल रहा, तो आपको एकदम से पहले तो डॉक्टर के पास जाके ECG करा लेना चाहिए अपना, सबसे इंपॉर्टेंट है ECG करा लीजिए, खासकर अगर आपको रिस्क फैक्टर है, डायबिटीज़ है या पहले स्टैंडल हुआ है, और साथ में एक डिस्प्रिन की गोली च्यू की जा सकती है या आप घर में रख सकते हैं, सॉबिट्रेट की आधी 5 mg की हाफ टैबलेट जीप के नीचे रख के आराम से लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं जब तक एम्बुलेंस आ रही है या आपको ले जाया जा रहा है, तो ये दो चीज़ तो कॉमन जो आप हाउस होल्ड अपने घर में रख सकते हैं, ये दो चीज़ ले लीजिए, बाकी बिना फिजिशियन कंसल्ट किए अपने आप और दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। तो एक प्राइमरी रेमेडी जो है, प्राइमरी जो एड है, वो आप ये ले सकते हैं फर्स्ट एड टाइप से। BLK Super Speciality Hospital, a passion for healing.